मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो क्लास 10 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 11 है जो ज्योग्राफी से लिया गया है, जो कि एक नया चैप्टर है। इसके पहले मैंने दो वीडियो के माध्यम से भी आपको चीजों को बताया था। आगे हम लोग जो है अपनी अगली वीडियो में कुछ और चीजों पर डिस्कस करेंगे। जिससे आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग जो है क्लास 10 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 11 जो कि ज्योग्राफी से लिया गया है, चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज, या हिंदी में इसे जो है हम लोग जल संसाधन कहते हैं। जो चैप्टर है उसे हम जो है जल संसाधन का नाम देते हैं, या इसे जो है हम लोग जल संसाधन कहते हैं। चलिए आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर हम लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन सी चीजों पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग जो है कई चीजों पर डिस्कस किए थे, जिसमें हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। वाटर रिसोर्सेज में हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसे आप वाटर साइकिल का भी नाम देते हैं। इसमें तीन प्रोसेस हमने पढ़ा था, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन। आगे हमने वाटर के बारे में कुछ फायर पैक जो है पढ़े थे। फिर हमने जो है वाटर स्कैरिटी पढ़ी थी और हमने पढ़ा था काजेज ऑफ वाटर स्कैरिटी। आगे की वीडियो में हम लोग जो है कुछ और चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुल मिला जुलाकर आज हम लोग जो है इन पांच पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि किस प्रकार से जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनका हम मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, तो जिसे हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वो कहलाता है। दूसरा पॉइंट अगला देखेंगे तो हम लोग जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे कि हमारे प्राचीन भारत में किस प्रकार से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है। इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, प्राचीन समय से ही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पर डैम वगैरह बनाए गए हैं, तो इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं थी। आगे है एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाए गए हैं उनका लाभ क्या है, उनके लाभ के बारे में पढ़ेंगे। और अंतिम पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि उनसे क्या हानियां हैं, यानी जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए गए हैं इन मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट की क्या हानियां हैं, इन हानियों को भी हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुल मिला जुलाकर आज पांच पॉइंट पर हमारा डिस्कशन होना है। ज्योग्राफी में पहला वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, दूसरा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, तीसरा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, चौथा एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और पांचवा डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। चलिए पहले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, आगे चलते हैं और उसको समझते हैं। पहला है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो देखेंगे अगर आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को हम देखें प्राचीन जो है समय का या प्राचीन समय में, तो आप देखेंगे कि कई प्रकार से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डैम जो कि पत्थरों से, आगे देखेंगे तो जो झील के किनारे या नदियों में, या देखेंगे तो नहरों में सिंचाई के लिए जिनका निर्माण किया गया। इससे बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करें, आप जो है ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन करें, तो इन चीजों का अध्ययन करने के बाद आपको ये सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। देखते हैं कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है हमारे प्राचीन भारत में किस प्रकार से था। अगर आप 30वीं शताब्दी की बात करें तो 30वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो मौर्य वंश था और मौर्य वंश के लोगों ने डैम बनवाए, मौर्य वंश के लोगों ने झील बनवाई, या झील जो है वहां पर थी, या जो है अगर हम बात करें तो बांध के माध्यम से, झीलों के माध्यम से अगर आप देखें तो वो सिंचाई का काम करते थे, यानी कि उस वंश के लोगों ने कृषि का कार्य शुरू किया और कृषि में सिंचाई करने के लिए देखेंगे तो बांध बनवाए, और बांध के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बांध के साथ साथ में
में उन्होंने झीलों का भी निर्माण किया। आगे अगर आप पहली शताब्दी ईसापूर्व में देखें तो श्रृंगेपुरम में अगर आप देखें जो इलाहाबाद के निकट था, वहां पर जो है फ्लड वाटर से या जो गंगा की नदी में बाढ़ आते थे उससे जो है अगर आप देखें तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है बनाया, यानी कि इस सिस्टम के माध्यम से वो लोग जो है सिंचाई का कार्य करते थे। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उस समय में निर्मित किया गया। तीसरा देखेंगे तो 11वीं शताब्दी में भोपाल झील के पास देखेंगे तो एक जो है कृत्रिम झील का निर्माण किया गया, जिस झील का उपयोग भी सिंचाई के काम में लिया जाता था। अगर आप 14वीं शताब्दी में बात करें तो एक हॉल बनाया गया, एक बड़ा सा टैंक बनाया गया दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा, और इसके द्वारा जो है सीरी के किले में पानी की सप्लाई की जाती थी। यानी कि प्राचीन समय में देखें तो प्राचीन समय के जो लोग थे वो भी जो है जल का संरक्षण करते थे, जल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। जो शासक थे उन्होंने कई सारे जलाशय बनाए, कई सारे बांध बनाए, और इन बांधों का उपयोग जो है वो कह सकते हैं कि जल संरक्षण के लिए करते थे, और इसी जल का उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए और पीने के लिए भी करते थे। साथ ही साथ अगर आप कलिंग की बात करें, आप नागरकुंडा यानी कि प्राचीन मध्य प्रदेश की बात करें, बेनोर कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी सिंचाई का काम जो है इसी हाइड्रोलिक सिस्टम से किया जाता था। तो इस प्रकार से आपने आज जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को पढ़ा कि प्राचीन भारत से किस प्रकार से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के माध्यम से सिंचाई का काम किया जाता था। आगे आपको पढ़ना है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, चलिए देखते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। तो अगर आप बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद ये उद्देश्य रखा गया कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के माध्यम से जो है कई प्रकार की चीजों यानी कि सिंचाई के साथ साथ अन्य चीजों को भी जो है का उद्देश्य रखा गया कि सिंचाई के साथ साथ अन्य चीजें भी उपयोग में लाई जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तेजी के साथ विकास करने के लिए अगर आप देखें तो जवाहरलाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसे हम द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम देते हैं, यानी कि ये जो है मॉडर्न इंडिया का टेम्पल कहलाता है। यानी कि जो बहुउद्देशीय पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न विच रिवर या विच रिवर वैली प्रोजेक्ट इज नोन एज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, तो बताना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से ये हो गया मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। आगे है एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो चलिए देखते हैं कि क्या लाभ है। अगर आप बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कई प्रकार से उपयोग होता है। जैसे पहला उपयोग है विद्युत बनाने में। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 2005-06 देखें तो 30,000 मेगावाट का प्रोडक्शन जो है बिजली का इसी प्रकार से होता है। जो भारत है अगर आप देखें तो 22% जो ऊर्जा है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त करता है। दूसरा है सॉइल कंजर्वेशन, जिसे आप मिट्टी का संरक्षण कहते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमारी नदी की बहाव है या जो नदी की दिशा या धारा है वो जो है कम की जाती है, जिससे जो है मिट्टी कम से कम कटती है। आगे है बाढ़ नियंत्रण, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट बनाने से जिसे आप मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने से बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। अगला है इरिगेशन सिंचाई। गर्मियों के समय में अगर आप देखें तो गर्मियों के समय में इन्हीं परियोजनाओं से सिंचाई का भी काम किया जाता है। अफॉरेस्टेशन यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं, यानी कि इसके माध्यम से हम देखें तो हम इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बनाते हैं। अगला है फिशरीज यानी कि मछली पालन का भी काम जो है इसके माध्यम से किया जाता है। अगला है वाटर नेविगेशन, यानी कि ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से इसमें जहाजें चलाई जाती हैं जिसे
से व्यापार किया जाता है। टूरिज्म की अगर आप बात करें तो इससे जो है टूरिस्ट भी सैलानी भी अट्रैक्ट होते हैं, यानी वो जो है इसमें बोटिंग करते हैं और इससे जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो कहा जा सकता है कि इसका जो है बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजनाओं का अधिकतम लाभ जो है प्राप्त होता है। आगे देखेंगे तो इसकी हानियां हैं, चलिए देखते हैं कि बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजनाओं से कौन कौन सी हानियां होती हैं। पहला है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, यानी कि हमारे यहाँ जितनी वैरायटी में पेड़ पौधे पाए जाते हैं ऐसी नौ बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजनाएं बनाए जाने से इनको जो है काफी मात्रा में नुकसान पहुंचता है और कुछ एनजीओ हैं जो इसका विरोध भी करते हैं। अगला है इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर भी ये प्रभाव डालता है, क्योंकि देखेंगे तो वार्षिक बाढ़ आती है और वार्षिक बाढ़ में जो सिल्ट है वो जो है अगर आप देखें तो एक नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है, लेकिन जब धीरे धीरे बाढ़ कम हो जाती है तो सैलिनिटी बढ़ती चली जाती है जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है कम होती चली जाती है। अगला है समाज पर प्रभाव, जो बड़े बड़े नदी घाटी परियोजनाएं हैं इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे लोगों की जीविकाएं छिन जाती है, गरीब जो है किसानों का खेत चला जाता है, इससे जो है कह सकते हैं कि कई प्रकार से जो है हानियां होती हैं। आगे है जलीय जंतुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अगर आप देखें तो फीड इन द रिजर्वियर ऑफ द डैम डू नॉट गेट सफिशियंट न्यूट्रिएंट मटेरियल, यानी कि जो अगर आप देखेंगे तो जो मछलियां जब डैम बना दिया जाता है तो डैम बनाने के कारण मछलियों को ज्यादा मात्रा में जो है कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आगे है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि फार्मर जो होते हैं जो किसान होते हैं ऐसे क्षेत्र में उनको वो क्षेत्र छोड़ना पड़ता है जहाँ पर इस प्रकार की नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं। अगला है टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट, डैम रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर दैट कॉज डिस्प्यूट, कभी कभी क्या होता है इससे विवाद छिड़ जाता है, जैसे कृष्णा देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में जो है जल को लेकर विवाद हो गया। अगला है एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, ज्यादा मात्रा में सेडिमेंटेशन होता है, आपको पता है कि नदियां अपने साथ सेडिमेंट बहा कर ले जाती हैं और जब नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता है तो कम होने के कारण जो सेडिमेंट होते हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। चलिए आपको कुछ प्रमुख जो है रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। पहला है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो सतलज नदी पर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, और इससे आपका पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई का काम किया जाता है। दूसरा है दामोदर वैली, दामोदर नदी पर बनाया गया है झारखंड में, और इससे लाभान्वित होने वाला क्षेत्र है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। आगे हीराकुंड है, महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा में, और इससे सिंचाई करने वाला इरिगेटेड एरिया है आपका उड़ीसा। आगे तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है जो आपका देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का क्षेत्र है, और इसको लाभ लेने वाला क्षेत्र भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। अगला है कोसी, कोसी नदी पर बनाया गया है बिहार में, और बिहार और नेपाल दोनों इससे फायदा लेते हैं। नागा दूध सागर है, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, सिंचाई जो है सिंचित क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का। चंबल वैली, चंबल नदी पर बनाया गया है, लाभान्वित राज्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला है नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया है, और इससे लाभान्वित होने वाले हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। तो इस प्रकार से कुल मिला जुला कर आपको 8 से 9 बनाए बताए गए हैं, आगे आपको जो है आगे की वीडियो में बनाए बताया जाए।